खरगोन जिले के विधानसभा 185 के विधायक प्रत्याशी रवि जोशी ने विधानसभा चुनाव के नतीजे के पूर्व अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने एग्जिट पोलों को भी अनुमानित बताते हुए प्रदेश में बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनने की बात कही है। उन्होंने यह बात उन में देवी महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन के दौरान हमारे संवाददाता दिनेश दसुंधी से बातचीत में कही। चुनाव के नतीजे को आने में अब कुछ घंटे ही शेष रह गए। हमारे साथ विधायक प्रत्याशी रवि जोशी जी जुड़ रहे हैं। चुनाव के नतीजों को लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है, क्या अनुमान लगते हैं, अब जब कुछ घंटे शेष रह गए हैं, किस तरह के अनुमान लग रहे हैं, क्या लगता है आपको? कुछ घंटे शेष रह गए, उत्साह का वातावरण है। कांग्रेस पार्टी पहले राउंड से विजयी होना शुरू होगी तो आखिरी राउंड तक विजयी होगी। आप विजयी को आश्वस्त हैं? 100% कार्यकर्ताओं ने पूरा चुनाव लड़ा, जनता ने चुनाव लड़ा है, इसलिए हम 100% आश्वस्त हैं कि कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। कांग्रेस पार्टी विजयी होगी, ऐसे क्या अनुमान है, किस तरह के अनुमान, किन आधारों पर आप जीत को पक्का मान रहे हैं? अरे बहुत सारे आधार है। 18 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान, गरीब, दलित, आदिवासी, नौजवान, महिलाएं, किसी के लिए कोई योजनाएं लेके नहीं आए। आखिरी 2 महीने में योजना ले आए लाडली बहना की। लाडली बहना का मतदान नहीं बढ़ा, ये मतदान तो वो बढ़ा है कि जो बच्चे खरगोन के 5,000 से अधिक बच्चे बाहर कोचिंगों में हो या पढ़ने गए या नौकरियों में हो, वो आ गए थे, उनका मतदान हुआ है, वो मतदान है। कहीं ना कहीं एग्जिट पोल कुछ अलग ही इशारे कर रहे हैं, एग्जिट पोलों को क्या लगता है? पोल चुनाव के नतीजे नहीं है, नतीजे तो कल सुबह 9 बजे से आना शुरू होंगे, आप भी देखना। नतीजे कल सुबह आना शुरू होंगे, नतीजे आपके पक्ष में आएंगे, आपको लगता है? 100% कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। मध्य प्रदेश में क्या स्थितियाँ रहेगी, आपको सरकार की स्थितियों को लेकर क्या कहेंगे? 140 के लगभग सीटें कांग्रेस की आएगी। 140 सीटें कांग्रेस की आ रही है, मतलब मध्य प्रदेश में भी आप सरकार के लिए पूरे तरीके से आश्वस्त हैं? 100%। विधायक जी, सबसे बड़ी बात इस चुनाव में देखी, कहीं ना कहीं घूम फिर के सनातन पर मुद्दा आ गया। आप एक ब्राह्मण चेहरा है, ब्राह्मण के सामने सनातन क्या रहेगा? ब्राह्मण के सामने सनातन नहीं, मैं खुद ही सनातनी, मेरे सामने कोई कहीं नहीं है, सब बोने साबित हुए। मतलब सनातन का? अरे सनातन केवल इनने नाम चुनाव में अपने आप को दे दिया। 5 साल आपको सनातन का काम करते दिखे, काम करते हम ही दिखते हैं। आगे क्या रहेगा? अरे आगे का काम करेंगे, जो जनता बोलेगी वो काम करेंगे। जनता के लिए सदैव तैयार है? सदैव तैयार है। कल सुबह जनता आपकी जीत का जश्न मनाए, आप मानते हैं? अरे 100% कांग्रेस जीत रही पूरे प्रदेश के अंदर। खरगोन शहर जो है, हमारे खरगोन विधानसभा का सबसे महत्वपूर्ण शहर माना जाता है, एक तरीके से ग्रामीण के साथ शहर, मतदाता आपके पक्ष में मतदान करेंगे, कैसा लगता है? अरे खूब करेंगे, तबीयत से करेंगे, कल देखना आप। ये थे विधायक प्रत्याशी श्री रवि जोशी जी, जिन्होंने पूरे ही विश्वास के साथ एक बार अपने सभी समर्थकों को ये कह दिया है कि कल जश्न की तैयारी कर लें। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में सरकार और खरगोन में विधायक पद के लिए अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कल मैं विधायक महोदय से एक निवेदन करूंगा कि कल विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ें, कल हमारा लाइव रहेगा और हम महोदय से एक निवेदन करेंगे कि कल आप हमारे साथ लाइव जरूर जुड़े। आप हमारे साथ SW24 न्यूज़ की पूरी टीम के साथ स्टूडियो पर भी आमंत्रित हैं, और कल यदि जीत हार जीत जो भी फैसला हो उस समय भी आप हमारे साथ हाजिर रहें, इस तरह का आपसे एक निवेदन रहेगा। हार शब्द से पसंद ही नहीं, चाहे वो फूलों का क्यों नहीं। ये थे रवि जोशी जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात कही और अपनी जीत को लेकर के पूरे आंकड़े ही बता दिए, एक तरीके से कह दिया कि उनको हार शब्द पसंद ही नहीं है। कल हम आपके साथ SW24 न्यूज मध्य प्रदेश की पूरी टीम आपके साथ लाइव रहेगी, और कल भी हम विधायक महोदय से बातचीत करने का पूरा सिलसिला जारी रखेंगे। तो आज के चर्चा में इतना ही। विधायक महोदय ने कहा है वो जीत के लिए आश्वस्त हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।